हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? नमस्ते, राधे राधे। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में ये बता दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ और मैंने अपना प्रेगनेंसी भी अनाउंस आप लोग के साथ कर दिया था। तो आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि मेरा फर्स्ट 3 महीने, माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जर्नी मेरे लाइफ में कैसा रहा और मैं क्या क्या फेस करना पड़ा मुझे, तो वो सब आपसे शेयर करने वाली हूँ। कि जो जो प्रेग्नेंट है, हाँ, उसे मेरा भी सिमिलर है कि नहीं है, आप लोगों को भी पता चलेगा ना फ्रेंड। तो प्लीज़ फ्रेंड, मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनती करती हूँ कि जो जो मेरे वीडियो में नए आ रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो जो पहले से हैं वो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और शेयर करके लाइक कर दीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स, यही आपसे विनती है मेरी। तो फ्रेंड्स, एक मिनट, तो चलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मार्च का मंथ था और मार्च के महीने में ही मेरी ननद की भी शादी थी, तो उसी में मैं बहुत भाग दौड़ की, शादी वादी सब कुछ हो गया, सब कुछ जो जो रिचुअल्स होता है सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैं अपने बैक टू ऑफिस आ गई, बैक ऑफिस जानी थी, और जब मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा था शायद, हाँ, जब मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा था, तो नाइट शिफ्ट चल रहा था, मैं ऑफिस में भी जाती थी, काम करती थी, आती थी, और जब भी से ना मेरा मेरे हार्मोन्स चेंज हो रहे थे, पता नहीं वो एक सिम्टम्स होता है शायद ना, मुझे ना बहुत चिड़चिड़ापन होता, ऑफिस में भी जाती थी तो हमेशा चिड़चिड़ के कोई बात भी करता था तो मैं उसका उल्टा ही जवाब देती थी, ये सब कुछ। और मेरा और एक बात फिर, हाँ, चिड़चिड़ के जवाब देती थी, सबसे लड़ती थी और किसी से भी उतना बात बात सही से नहीं करती थी। और हाँ, ये सब हो गया और मैं ना 15 डेज, जो मेरा पीरियड्स का ड्यू डेट था, उसे 15 डेज से पहले से ही मेरे पीरियड्स के सिम्टम्स आने लगे थे। मैं सोची शायद, हाँ, मेरे जो ननद की शादी थी उसमें मैं बहुत भाग दौड़ की, वहाँ वहाँ ऐसे की, उसके लिए भी शायद मुझे पहले पीरियड्स आने वाले हैं उसके लिए भी, और मैं नाइट शिफ्ट भी कर रही थी, वो भी एक रीज़न था, उसकी वजह से तो ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत वैसे ही हो रहा था, मुझे बहुत अजीब तरह से हो रहा था, सेम वैसे ही जैसे पीरियड्स में आते हैं ना, वैसे ही हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूँ नहीं करूँ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। आती थी, ऑफिस जाती थी, काम करती थी, वही चिड़चिड़ापन, वही पेट में दर्द, जैसे होता है ना पेट में दर्द, कमर दर्द, वो सब कुछ हो रहा था। उसके बाद से क्या हुआ एक दिन, हाँ, वही सब हो रहा था और मेरा हाँ, ड्यू डेट से पहले से ये सब हो रहा था, तो हर एक दिन लग रहा था कि हाँ, अब हो जाएगा पीरियड, हो जाएगा, जैसे सिम्टम्स होता है तो हर लड़की को तो पता ही चलता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर की कि ऐसा ऐसा हो रहा है मुझे, तो बोला ठीक है, हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल गई थी मैं, तो वो बोले कि अगर ऐसा सिम्टम्स तो वो प्रेगनेंसी का भी रहता है, एक बार आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, ड्यू डेट सब, प्रेगनेंसी लास्ट, पीरियड्स लास्ट कब, वो सब वो लोग एलएमपी पूछे मेरे से, मैंने सब कुछ बता दिया, मैंने टेस्ट की। तो क्या हुआ, 23 मार्च को मैंने टेस्ट किया, नेगेटिव आया। मैं फिर से डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं बोली शायद ऐसे ही मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ ना, उसके नाइट शिफ्ट से भी शायद, क्योंकि लड़की का कुछ वो ऐसा होता है ना, तो सब लोग बोल रहे थे कि नाइट शिफ्ट के कारण से भी शायद ऐसा ऐसा पेन आ सकता है। तो वो सब हो गया उसके बाद से, फिर भी लेकिन वो पेन ख़त्म नहीं हुआ, जैसा हो रहा था पहले वैसे ही कंटिन्यू होते गया मेरे साथ। तो मैं फिर से वही बोल रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि शायद तुम प्रेग्नेंट हो, वो काम कुछ भी नहीं करने दे रहे थे मुझे, कुछ भी नहीं। वैसे 23 को भी चेक ही नहीं हुआ। 26 के दिन मेरी एक कज़िन सिस्टर लगेगी, उसका एंगेजमेंट था, उस दिन तो मुझे लगा कि हाँ, सच्ची में मैं पीरियड्स हो चुकी, बहुत, फिर भी लेकिन उस दिन भी नहीं हुआ, वैसा कमर दर्द वैसे ही हो रहा था। ऑफिस में भी जाती थी मैं, ऑफिस में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती थी अपने वर्क पे,
वैसे चलता रहा चलता रहा। तो फिर से एक दिन मुझे ही लगा कि ठीक है, कभी कभी ना मैं मुझे कभी कभी हर एक बार समझो लाइक हर एक पीरियड्स टाइम में मुझे जब 1 वीक डिले जाता है पीरियड्स, अगर मैं 20 को लास्ट टाइम 20 हुई थी तो 27th के बाद से, तो मैं 23rd को चेक की थी, मैं सोची रुको रुकते हैं एक हफ्ता और टेस्ट कर, एक हफ्ता के बाद और टेस्ट करती हूँ मैं। तो मैं खुद से मैं अपने हस्बैंड को बोली कि देखते एक बार और चेक करते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे तो वैसे ही सिम्टम्स हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा मुझे, बहुत बहुत अजीब तरह से हो रहा है मुझे। और नाइट शिफ्ट की वजह से मैं ऑफिस में भी बात करें, मुझे नाइट शिफ्ट नहीं करना है, और एक्चुअली और नाइट शिफ्ट 15 डेज ही बाकी था मेरा शिफ्ट चेंज होने, तो उसके कारण भी वो लोग भी बोले कि 15 डेज चाहिए ना। तो मैं फिर से बोली कि बात करके भी वेस्ट है ना, 15 डेज में कैसे भी वो कर लूँगी। तो फिर से मैं 30 के दिन 29th को मेरे हस्बैंड को बोली कि कुछ भी नहीं है किट ला के दो, फिर से एक बार टेस्ट करके देखती हूँ क्या हुआ, क्योंकि मुझे ना वैसा कमर दर्द वैसा होते ही जा रहा, और अब एक दो दिन से वो भी नहीं हो रहा, 15 डेज 20 डेज से पहले से ही हो रहा है मुझे, देखूँगी क्या होता है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो जाके, चलो ठीक है मैं ला देता हूँ बोल के वो ला के दिए मुझे। तो फिर से मैं चेक कर रही हूँ, 1 मिनट के लिए चेक की मैं, वैसे ही मुझे लगा एक लाइन ही ऐसा है, मैं बोली कि वेस्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा पता ही नहीं है। वो रामनवमी के दिन था, श्री रामनवमी के दिन था, और 30th मार्च था। तो उसे फिर से मैं फेंकने वाली थी वो किट को, लेकिन किट को साइड में रख दी और आके फिर से ऐसा देखी तो 2 लाइन आया था। तो फिर मुझे जब अभी हंसू खुशी हो क्या हो कुछ समझ भी नहीं आया, क्योंकि मैं वही ही नहीं हो रहा था। इससे पहले मैं एक और एक बात बोलना भूल गई मैं आप लोगों से कि पीरियड्स मुझे जल्दी से आ जाए, मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ, उसके लिए मैं क्या करती थी मालूम है आपको, मैं ऑफिस में लाइक 6th फ्लोर पे मेरा प्रोजेक्ट था, वहाँ से मॉर्निंग में नाइट शिफ्ट चल रहा था ना, तो मॉर्निंग में 6th फ्लोर स्टेयर से आके पूरा वॉकिंग करती थी, दौड़ती थी कि जल्दी मुझे पीरियड्स आ जाए। वैसा वैसा हुआ और 38th को मैं चेक की, आपको जैसे बताई दी थी मैं प्रीवियस में, 38th को चेक करने के बाद से वो सही आया। मैं अपने हस्बैंड को बोली तो हस्बैंड बोले हाँ ठीक है कुछ भी नहीं, कल हॉस्पिटल जाके दिखाते हैं। 38th मार्च को ही मैं हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर बोले कि अभी तो मैं वो नहीं दूंगी, क्योंकि लाइन ना बहुत हल्का से आया था, तो 2 डार्क लाइन नहीं था, बहुत हल्का से लाइक, तो बोले कि कभी कभी ना, कभी कभी जब ये प्रेगनेंसी नहीं रहने के कारण भी, हार्मोन्स चेंज होने के कारण भी 2 आ जाता है, गलत दिखा जाता है, ब्लड टेस्ट करवा लो तुम, उसके बाद ही कुछ टैबलेट दूंगी मैं, कमर वमर दर्द का वो टैबलेट वो दे दी डॉक्टर। मैं बोली ठीक है। उसी दिन वो 38th मार्च को ही मुझे लाइक 31st को कुछ फंक्शन था तो मुझे गाँव जाना था, मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे, वो फंक्शन वो भी था कि हम लोग से रिलेटेड ही था वो फंक्शन, कैसे ना कैसे भी जाना ही पड़ता था। मेरे हस्बैंड बोले थे नहीं नहीं नहीं, फिर भी मैं हिम्मत की नहीं, बोली कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर से बात की कि ऐसा जा सकती हूँ ना, तो डॉक्टर बोले कि जा तो नहीं सकती हूँ लेकिन लाइक तो ड्राइविंग बाइक पे नहीं 4 व्हीलर पे जाके लेट के जा सकती हूँ, कुछ भी नहीं होगा, जाओ लेकिन ज़्यादा भाग दौड़ मत करना बोल के बोली डॉक्टर से। मैं अपनी बात की तो ठीक है परमिशन दे दी, मैं गई वहाँ पे भी गई, कुछ मेरे रिलेटेड ही वो फंक्शन था लेकिन कुछ भी नहीं, गई वहाँ पे, यहाँ से मैं सारा ड्रेस व्रेस सब कुछ लेके गई थी, वहाँ पे गई सीधा गई, मुझे अजीब से लग रहा था, वहाँ पे रख दी, मैं जाके सो गई वहाँ पे जाके भी वेस्ट में कुछ नहीं कर पाई, वहाँ पे सो गई। सोने के बाद एक मिनट सर, सॉरी, सोने के बाद वो सब मेरी सास पास को सबको बोली, और मेरे हस्बैंड खुशी में पता है आप लोग को सबको ही बोल दे लोग, और अभी तक मेरा वो ब्लड टेस्ट का रिजल्ट भी नहीं आया था, वो रिपोर्ट भी नहीं आया था लेकिन मेरे हस्बैंड सबको न्यूज़ बोल दे कि हाँ मैं ये मेरी वाइफ ऐसी है ऐसे, सबको ये न्यूज़ सब सारे लोग को फैला दिए थे वो। तो फिर मैं 31st को आई, 31st को नहीं, वहाँ पे किसी का कोई डेथ हो गया था, तो उस दिन बोले कि नहीं जाना चाहिए,
ऐसी हालत में भी नहीं जाना है। तो 2 दिन के बाद मैं ऑफिस आई, घर से आई, मैं गांव से वापस आ गई, मैं रिपोर्ट लेने गई तो उसमें हाँ प्रेगनेंसी पॉजिटिव है निकला। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि हाँ सब कुछ ठीक है लेकिन बहुत तो वीक प्रेगनेंसी है, तुम्हें बेड रेस्ट करना चाहिए, टोटली बेड रेस्ट। जब तक स्टार्टिंग में लाइक मैं 1 वीक 10 डेज 15 डेज तक बहुत अच्छी थी, टाइम पे खाती थी सब कुछ, लाइक जो टाइम्स होता वीकनेस लगा ही नहीं मुझे 15 डेज तक, टाइम से खाती थी पीती थी टाइम से, कितना भी टाइम 9 बजे तक मैं सो जाती थी रात में, सब कुछ हो जाता था। उसके बाद जो हुआ, जो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का जो जर्नी स्टार्ट हुआ, भगवान ऐसी जर्नी किसी को भी ना दे ऐसी जर्नी, इतना 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 मेरे लाइफ में स्टार्ट हुआ ना, इतना स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, जब से मुझे अब तक पता है कि लाइक हाँ माँ बनना भी, इस दुनिया में माँ बनने के लिए भी क्या क्या खोना पड़ता है, क्या क्या होना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। तो फ्रेंड्स मैं आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ और इसका मैं सेकेंड पार्ट बनाऊँगी क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं आप लोगों को कल ये इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर ला के दूँगी। जब से आप लोगों से विनती है फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी कुछ आगे बढ़ाइए फ्रेंड, प्लीज़ आप लोगों से यही विनती है मेरी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।